जीआई टैग वाले कश्मीरी कालीनों की पहली खेप मार्च 2022 में नई दिल्ली से किस देश को निर्यात की गई थी ठीक है कश्मीरी कालीन है बहुत फेमस कालीन है बहुत ही अच्छी कालीन है और बहुत बड़ी बात है ये कि इंडिया का कोई जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये पूछ रहा है कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है जर्मनी में ठीक थोड़ा इसका हम देखते हैं जम्मू कश्मीर सरकार ने आखिरकार प्रसिद्ध कश्मीरी कालीन के लिए एक क्यूआर कोड ठीक है क्यू कोड आपको पता है आजकल होते ही हैं ठीक है ऑथेंटिकेशन के लिए के साथ जी टैग रजिस्ट्री शुरू करी है जिससे कारीगरों और उपयोग की गई सामग्री का विवरण है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला इन इन डैश सिटी मार्च केरल का छब्बीसवा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मार्च दो डैश शहर में शुरू होने वाला है कौन से शहर में शुरू हुआ है वो पूछ रखा है छब्बीसवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ठीक तो अपने त्रिवेंद्रपुर में ठीक है नेक्स्ट है विच कंट्री हैज डेवलप अ रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर विच कैन डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस किस देश ने आर के एस का शॉर्ट फॉर्म में आर के ए विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट कर सकता है देखो नाम से ही लग रहा है क्राइस्ट्रॉन ऐसे नाम चाइनीजी होते हैं मेनली है नी तो ये चाइना ने ही लॉन्च किया है जो उपग्रहों को नष्ट कर सकता है ठीक नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डेवलप्ड आ दिशांक ऐप टू इंश्योर इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किस राज्य ने भूमि अभिलेखों का एक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है तो कर्नाटक ने किया है ठीक है अपने कर्नाटक ने बहुत ही अच्छा दिशांत ऐप लॉन्च किया है ठीक नेक्स्ट है द वर्ल्ड स्लीप डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन द फ्राइडे बिफोर स्प्रिंग वर्नर इक्वेनिक्स एंड बीइंग मार्क ऑन डैश टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विश्व नीति दिवस हर साल बसंत विश्व से पहले शुक्रवार को आयोजित किया जाता है वो डेट पूछ रखा है कब किया जाता है वर्ल्ड स्लीप डे ठीक है तो वो किया जाता है अपना एटीन मार्च को अभी रिसेंटली किया गया था ठीक नेक्स्ट है नेम द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ब्यूटी पीजन मिस वर्ल्ड 2021 ब्यूटी पेजेंट की विजेता का नाम बताइए ये है अपनी कैरोना बिल्वस्खा ठीक उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं तो उन्हें जमे के 2019 मिस वर्ल्ड टोनी एंड सिंह ने ताज पहनाया किसने ताज पहनाया ये भी पता होना चाहिए हमें यह पता चल गया कौन बनी है कैरोना बनी है ठीक है किसने ताज पहनाया क्या हुआ कहाँ आयोजित हुआ सब पता होना चाहिए सत्तरवा संस्करण था सेवनटीत एडिशन था और कोका कोला म्यूजिक हॉल में आयोजित किया गया था ये ठीक नेक्स्ट है विच स्टेट असेंबली हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बिकम कम्प्लीटली पेपरलेस किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है ठीक है स्टेट का नाम पूछ रखा है तो वो है अपनी नागालैंड तो नागालैंड राज्य विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है ठीक है पेपरलेस ठीक पेपरलेस नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग हैज फॉलोविंग द नाइनटियत एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्प इन दोहा कतर निम्नलिखित में से किसने दोहा कतर में आयोजित उन्नीसवी एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप दो हजार बाईस जीता है ठीक है एडिशन नाइनटीन नंबर का है कहाँ पर दोहा में कतर में किसने जीता है ये अब जानते हैं हम ये अपना पंकज आडवाणी जी ने जीता है नाइनटियत एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप ठीक नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन मार्च 2022 निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है मैंने बताया जैसे कि मैं पूरी लिस्ट लेके आने वाली हूं अब जल्दी ही फिलहाल हम कुछ कुछ स्टेट का जान लेते हैं जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ठीक है तो मणिपुर के हाल में ही कौन बने हैं एन बीरेन्द्र सिंह जी बने हैं ठीक एन बीरेन्द्र सिंह अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं नेक्स्ट बैंक हैज बीन अवॉर्डेड इन आई एफ आर एशिया बैंक ऑफ द ईयर किस बैंक को आई एफ आर एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया आई एफ आर फुल फॉर्म हम जान लेते हैं क्या होती है इन्वेस्टमेंट ये बैंकिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन रिजर्व ठीक और किस बैंक को मिला क्या मिला ये सब कुछ जाना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड बन सकता है जो बैंक की तैयारी करें उन बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो एक्सिस बैंक को मिला है इस बार का आई एफ आर एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर ठीक अब एक्सिस बैंक की बात करें तो इट वॉज़ फॉर्मली नोन एज यू टी आई बैंक हेड क्वार्टर मुंबई में है फाउंड थ्री दिसंबर नाइनटीन नाइनटी थ्री में हुआ था ठीक नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द थर्टी फर्स्ट जी डी बिरला एवॉर्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च इन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मार्च दो हज़ार बाईस में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इकतीसवें जी डी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया ठीक है कौन सा नंबर का था थर्टी फर्स्ट नंबर का था यह पुरस्कार किसे चुना गया अपने नारायण प्रधान जी को चुना गया है ठीक तो नारायण प्रधान जी को थर्टी फर्स्ट जी डी बिरला एवॉर्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च के लिए चुना गया है और इसके बारे में हम जाने उन्हें भौतिक विज्ञान मटेरियल साइंसेस के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान मिला है ठीक नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प ठीक मार्च 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नाम एक विशेष योजना शुरू की है ये योजना का नाम जान लीजिए ठीक है तो ये अपनी त्रिपुरा त्रिपुरा ने स्टार्ट किया है थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं त्रिपुरा के सात हजार से अधिक चाय बगान श्रमिकों के प्रत्येक परिवार को पेयजल बिजली आश्रय शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास में राज्य सरकार ने एक विशेष योजना शुरू करी है ठीक इसीलिए इसका नाम चाह है ठीक है चाह है से चाय ठीक मुख्यमंत्री चाह श्रमिक कल्याण प्रकृति यह योजना चाय बगान श्रमिकों को आवास राशन और वित्तीय सहायता का आश्वासन देती है जो भी चाय बगान को संभालते हैं जितने भी कर्मी उन लोग को आवास दिया जाएगा घर दिया जाएगा राशन दिया जाएगा उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए उनकी शिक्षा के लिए सहयोग किया जाएगा ठीक नेक्स्ट विच स्टेट इज द थीम स्टेट ऑफ थर्टी फिफ्थ इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला टू पैंतीसवें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य कौन सा राज्य बना है अपना जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो पैंतीसवां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ था तो उसका थीम राज्य बना है अपना जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं पैंतीसवां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला उन्नीस मार्च से चार अप्रैल दो तक फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा आयोजित कहाँ किया जाएगा फरीदाबाद में लेकिन थीम स्टेट कौन है ठीक है थीम स्टेट अपना जम्मू एंड कश्मीर है ठीक है और पैंतीसवां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है ये तो मेला में क्या होना है हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करेगा सूरज कुंड मेले में तीस से अधिक देश भाग लेंगे और भागीदारी राष्ट्र उज्बेकिस्तान है ठीक है भागीदारी राष्ट्र भी पूछ सकते हैं कौन बनेगा करके ठीक नेक्स्ट है द डैश एडिशन इंडिया जापान एनुअल समिट विल बी हेल्ड ऑन 19 मार्च 2022 संस्करण भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 19 मार्च 2022 को आयोजित किया जाएगा मैंने बोला है हमेशा एडिशन याद होना चाहिए ठीक है भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहा है 19 मार्च 2022 को ये सब सुन लेंगे लेकिन कौन सा एडिशन है किसी को नहीं पता चलेगा फोर्टीन एडिशन है ठीक है फोर्टीन नंबर का एडिशन है नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ बीन नेम एज द वर्ल्ड हैप्पीस्ट कंट्री वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई उसमें किस देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है अपने फिनलैंड को तो फिनलैंड को सबसे ज़्यादा खुशहाल देश घोषित कर दिया गया है जब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं भारत सूची में पाकिस्तान से नीचे एक स्थान पर है अपना पाकिस्तान जो है अपना नहीं मतलब पाकिस्तान जो है वो एक सौ इक्कीसवें स्थान पे अपना इंडिया एक सौ छत्तीसवें स्थान पे है ठीक सूचकांक में अफगानिस्तान को सबसे नाखोश के रूप में स्थान दिया इसके बाद लेबनान का नाम है अब देखो अगर इंडिया भी इंक्लूड किया गया है ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में अगर इंडिया भी इस लिस्ट में आया है तो ये क्वेश्चन बन सकता है और सबसे टॉप पे कौन रहा फिनलैंड इसकी कैपिटल हेल सिंकी है और करेंसी यूरो है ठीक है तो देख लीजिए कौन कौन रहा इंडिया एक नंबर पे पाकिस्तान एक पे इस पे और सबसे नाकुश अफगानिस्तान उसके बाद लेबनान यहाँ तक का डेली करंट अफेयर का सेशन था बहुत इंपॉर्टेंट बहुत हेल्पफुल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में